हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। वीवर्स, आज की रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या हैं, आधी रात में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, आधी रात में आपके पर्सन की सोच आपके लिए क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। आज की रीडिंग का टॉपिक भी यही रहने वाला है, आज हम इसी टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। ओके, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव लेवल पर है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जोड़ी एक साइंस के लिए है, मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। ओके, तो करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं प्लेफुलनेस, न्यू विजन, द क्रिएटर एंड हार्मनी। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें आप दोनों का रिश्ता कैसा है, आप दोनों कैसे मिले थे, किस तरह का बॉन्ड आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में बनाया है, तो यहाँ पर हमारे पास प्लेफुलनेस का कार्ड है और न्यू विजन भी है। आप दोनों ही तलाश रहे थे अपने अपने लिए लाइफ पार्टनर, और जब आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं तो आपको मिलकर ऐसा लगा कि आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। आपको जिस इंसान की ख्वाहिश थी, जिस तरह के लाइफ पार्टनर की ख्वाहिश थी, वो ख्वाहिश इस पर्सन से मिलकर आपकी पूरी हुई। आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन आपके जैसा है। जिस तरह से आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं और नई नई चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से ये इंसान भी अपने जीवन में आगे बढ़ने की जो कोशिश कर रहे हैं उसमें आप दोनों एक साथ मिलकर अगर कोशिश करेंगे तो आप दोनों मिलकर जब कोशिश करेंगे तो कामयाबी होगी वो कोशिश। आपको ऐसा लगा कि आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी, इस पर्सन की इच्छाएं भी पूरी होंगी। तो आप दोनों की जो हॉबीज़ हैं वो एक जैसी हैं, आप दोनों में बहुत कुछ एक जैसा था। आप दोनों ने ही पास में जो कुछ हो चुका है उसे छुपाने की पूरी कोशिश की है, पर जब आप दोनों का पास एक दूसरे के सामने आया, जब बहुत सारी चीज़ें आप दोनों की एक दूसरे को पता चली, तो आप दोनों ना जैसे कि हिल कर रह गए। आपको ऐसा लगा कि आपका पर्सन बहुत कुछ छुपाए हुए है अपने मन में, शायद इस पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार नहीं है, और जो कुछ ये पर्सन छुपा रहे हैं किसी अदर पर्सन के लिए अट्रैक्शन है, फीलिंग्स हैं, प्यार है, जो ये पर्सन आपसे छुपाने की कोशिश करता है। ये पर्सन आपके साथ ज़रूर है पर इस पर्सन के दिल में कोई और ही है। उसी तरह आपके पर्सन को भी ऐसा लगा कि आपके दिल में भी कोई और है, आप उसे भुलाने के लिए इस पर्सन के साथ रिश्ता बना चुके हैं। इस पर्सन के साथ इसलिए हैं क्योंकि आप उस इंसान को भुलाना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आप दोनों ही किसी अदर रिलेशनशिप में रह चुके हैं। आप दोनों को जब एक दूसरे के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चलें तो आप दोनों ने एक दूसरे से कुछ ना कुछ शेयर करने की कोशिश भी की, पर शायद आपके पर्सन ने सुनने के लिए इतना वक्त नहीं दिया आपको। शायद आप चाहते थे कि ये पर्सन सुने आप क्या चाहते हैं इस पर्सन से, वो भी सुने ये पर्सन, पर इस पर्सन ने शायद आपकी कोई बात सुनी नहीं है और ये रिश्ता ना धीरे धीरे ख़त्म हो गया है। ऐसा लग रहा है ब्रेकअप हो चुका है आप दोनों का भी, और आप दोनों ने जो अपने लिए निवेदन तैयार किया था वो अधूरा रह गया है। पर अब आपका पर्सन सोचने लगा है फिर से कि जो कुछ भी हो चुका है आपकी लाइफ में या इस पर्सन की लाइफ में हुआ, तो आपकी लाइफ में भी वही है जो इस पर्सन की लाइफ में हुआ है। अगर इस पर्सन का पास्ट अच्छा नहीं रहा तो आपका भी पास्ट अच्छा नहीं रहा, तो आप दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। और इसलिए इस पर्सन ने ना फिर से एक नई सिरे से एक नई शुरुआत करने का सोचा है। फिर से इस पर्सन ने कुछ सपने बुनना स्टार्ट कर दिए हैं। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अब जो कुछ हो चुका है उसे भुलाकर ना एक नई शुरुआत की जाए। तो ये पर्सन अब जो भी फीलिंग्स इस पर्सन के मन में किसी अदर पर्सन के लिए थी ना, उसे निकाल देना चाहता है। ये पर्सन चाहता है कि अब ये पर्सन आपका होकर रहे और आप भी इस पर्सन के होकर रहें। तो ये पर्सन चाहता है, कुछ बातें हैं जो इस पर्सन के मन में ये पर्सन अब आपको बताना चाहता है। तो आज रात इस पर्सन के मन में ये विचार आएगा कि क्यों ना एक नई शुरुआत की जाए इस रिश्ते की, फिर से इस रिश्ते को सही किया जाए, और इस रिश्ते में इस पर्सन की तरफ से अब एफर्ट्स डाले जा सकते हैं क्योंकि ये पर्सन अब सोचने लगे हैं आपके बारे में। जितना सीरियस पहले ये पर्सन नहीं था आपको लेकर, अब थोड़ा सीरियस हुआ है ये पर्सन। इस पर्सन को ऐसा लगा है कि पास में ही खोए रहने से अच्छा है कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए और जो कुछ हो चुका है उसे भूलकर एक नई शुरुआत की जाए। तो ये पर्सन अब अपनी फीलिंग्स को आपको बताएंगे कि ये पर्सन अब आपके बारे में क्या सोचते हैं। इस पर्सन के दिल में जो पास में जिस इंसान के लिए फीलिंग्स थी अब वो ख़त्म हो चुकी हैं। ये पर्सन पूरी तरह से मिटा चुका है। अब आपके लिए इस पर्सन के दिल में जगह है, अब आपके लिए ये पर्सन फील करने लगा है, और ये एहसास इस पर्सन को तब हुआ है जब आप दोनों के बीच ये दूरियाँ आई हैं।
तो ये पर्सन आज रात इसके बारे में काफ़ी सोचेंगे, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगेगा कि अब ये राइट टाइम है जब आप दोनों एक साथ आएँ और जो कुछ हो चुका है उन कड़वी यादों को भुलाकर एक दूसरे के साथ में एक नई शुरुआत करें। तो इस तरह के विचार इस पर्सन के मन में आएंगे, क्योंकि जब आप दोनों मिले थे ना तो आप दोनों की ज़िंदगी में हारमोनी आई थी, आप दोनों ही एक दूसरे के साथ पाकर ना काफ़ी खुश भी थे, हैप्पी भी थे, आपने बहुत अच्छे अच्छे ख्वाब देखे थे, बहुत अच्छी अच्छी बातें एक दूसरे के साथ में शेयर की थी, कुछ ऐसी चीज़ें थी आप दोनों की ज़िंदगी में जो आप दोनों को एक दूसरे के करीब ले आई थी, वो थे आप दोनों के सपने। तो आप दोनों ने जो सपने देखे थे उन्हें साथ मिलकर पूरा करने की जो आपने एक मुहिम छेड़ी थी ना वो अधूरी रह गई है। अब ये पर्सन चाह रहा है कि फिर से वहीं से सारी चीज़ें स्टार्ट हों जहाँ पर ख़त्म हुई थी। तो आज रात इस पर्सन के मन में ये विचार आएंगे कि अब इस पर्सन के दिल में अगर किसी के लिए फीलिंग्स बची हैं तो वो आप ही हैं। तो ये पर्सन आपकी फीलिंग्स को टटोलने की कोशिश करेगा, आपसे बात करेगा कि आपके मन में क्या है, कि आप भी सेम वही चाहते हैं जो ये पर्सन चाहता है, कि आप इस पर्सन के लिए कोई कड़वाहट तो अपने मन में नहीं लिए बैठे हैं। तो इस तरह की बातें आज रात ये पर्सन सोचने वाले हैं, और इस तरह के विचार इस पर्सन के मन में इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि आपसे दूर होकर इस पर्सन ने आपकी वैल्यू को समझा है। इस पर्सन को ऐसा लगा है जो कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता है उस चीज़ के पीछे भागने से अच्छा है जो इस पर्सन को मिल रहा है उसी के साथ संतुष्ट रहा जाए, उसी में खुश रहा जाए। तो अब इस पर्सन ने ना जिन चीज़ों का भी दमन किया था, अब ये पर्सन चाह रहा है कि बस वो चीज़ें इस इंसान के दिल से निकल जाए, और अब ये पर्सन आपके साथ खुश रहना चाहता है। ये पर्सन चाहता है जिस तरह से इस पर्सन के साथ आप खुश थे, ये पर्सन आपके साथ खुश थे, फिर भी आप दोनों के पास्ट की वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आईं, आप दोनों ने पास्ट के बारे में जब जब बात की आप दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गईं। तो अब ये पर्सन चाहता है कि उन सारी चीज़ों को भुला दें। तो ये पर्सन आपसे बात कर सकता है क्योंकि अब ये पर्सन ना काफ़ी जागरूक हुआ है। इस पर्सन के मन में एक जो इच्छा ने जन्म लिया है ना आपके साथ का, जो इस पर्सन ने जो सपना देखा था और जो इच्छाएं इस पर्सन की मर चुकी थी वो आपके साथ से जो जागी थी ना, ये पर्सन उन इच्छाओं का ना फिर से दमन कर रहे थे। तो इस पर्सन ने अब ये सोचा है कि अब उन इच्छाओं का दमन करने से अच्छा है कि आपके साथ में उन इच्छाओं को पूरा किया जाए, एक नई शुरुआत की जाए, क्योंकि आप भी दुखी हैं, ये पर्सन भी दुखी है। आज रात ये पर्सन आपको मिस करेंगे और सोचेंगे कि ये सारी चीज़ें जो आप दोनों के बीच हो चुकी हैं ये बेमायनी हैं, ये सब तो होना ही नहीं था, आपको तो एक दूसरे के साथ बहुत हैप्पीनेस और खुशी मिल रही थी, फिर इन खुशियों को किसकी नज़र लग गई। तो ये पर्सन आज रात इस बात के बारे में सोचेंगे क्योंकि अब इस पर्सन के मन में आपके लिए फीलिंग्स आ गई हैं। इस पर्सन के दिल में आपके लिए ये फीलिंग्स पहले भी थी पर ये पर्सन समझ नहीं पाए थे, अब आपसे जब दूर गया है ना ये पर्सन तो समझ पाया है आपकी वैल्यू को भी और अपनी फीलिंग्स को भी। अब ये पर्सन काफ़ी इमोशनल हो रहा है ये सोचकर ही कि काश कि अब आप इस पर्सन के साथ में होते और ये पर्सन उन सारी पास की बातों को भुलाकर आपके साथ खुश रह रहे होते तो कितना अच्छा होता। ये पर्सन आज खुश होते, तन्हा नहीं होते, ये रातें तन्हा नहीं गुजर रही होती, अकेलापन जो इस पर्सन को परेशान कर रहा है ये अकेलापन नहीं होता। तो ये पर्सन काफ़ी सोच विचार करेगा और ये प्लान बनाएगा कि किस तरह से आपसे बात की जाए, और अगर आप भी यही सब चाहते हैं तो फिर से आप दोनों साथ आएँ और अपने अपने सपने एक साथ मिलकर पूरे करें। तो ये सारी चीज़ें आज रात ये पर्सन सोचने वाले हैं। इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं, प्यार है जो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, और ये जो बढ़ रही इस पर्सन की बेताबी है, बेकरारी है, ये पर्सन आपको मिलकर बताएगा भी कि आपसे दूर रहकर इस पर्सन ने आपको कितना मिस किया। तो आज रात भी ये पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। ओके माय लवली व्यूअर्स, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।